सोमवार को एबीवीपी ने आदर्श हत्याकांड में वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन, सीएम गहलोत का पुतला फूंका, साथ ही कलेक्ट्रेट के गेट एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां भी बांधी और ज्ञापन सौंपा। आदर्श हत्याकांड में वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जहां एक ओर भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के पास धरना दिया जा रहा है, वहीं छात्र संगठन ने भी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक छात्रा ने कलेक्ट्रेट के गेट पर चूड़ियां बांधी और प्रशासन को संदेश दिया कि अब वे चूड़ियां ही पहने। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद सीएम का पुतला फूंका गया। एबीवीपी ने आदर्श के वास्तविक हत्यारों को गिरफ्तार करने के साथ ही प्रकरण में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की। विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर और सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया और हमारी ये मांग थी, हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और यह कहा कि हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से आदर्श तापड़िया की हत्या हुई है, वह एक छात्र था और उसी के तुरंत बाद में 11वीं क्लास के विद्यार्थी जो परीक्षा देकर सुभाष नगर स्कूल से बाहर आते हैं उनके साथ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है, कहीं ना कहीं ये हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो इन प्रकरण के अंदर जो अधिकारी जो पुलिसकर्मी लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द से जल्द आदर्श के जो वास्तविक हत्यारे हैं उनको पकड़ करके सजा दी जाए और हम प्रशासन से सीबीआई जांच की मांग करवाने की ऐसी हमारी मांग थी। काली पट्टी हमने विरोध प्रदर्शन किया है और आगे भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पूरे जिले भर में नहीं पूरे प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी और सरकार का इसी प्रकार विरोध करेगी। हर्षित शर्मा, महानगर मंत्री, एबीवीपी भिलवाड़ा।